अग्नि उद द फायर। विश्वजीत चटर्जी यहाँ पे डायरेक्टर है। ये फिल्म बहुत जल्दी आ रहा है। उन्होंने हमारी देश के आने वाली पीढ़ी को हमारी आज़ादी के समय पर जो पैट्रियोटिक थे उस समय का हिस्ट्री बताना चाह रहे हैं। उनकी आशा है ये फिल्म उन्होंने देश के लिए बना रहे हैं तो सभी को अच्छा लगेगा। आइए सुनते हैं इस विषय में उन्होंने क्या कहा आप सभी को। मैं हूँ विश्वजीत। मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, अग्नि युग द फायर फिल्म का नाम। उसमें मेन कैरेक्टर जो कर रहे हैं वो जैकी श्रॉफ कर रहे हैं। एक सेना है, बहुत ही हिम्मत वाला सेना, बहुत ही ट्रस्टवर्दी एक सेना का रोल कर रहे निभा रहे हैं। साथ में धर्मेंद्र जी हैं, वो कर रहे हैं पंजाब के श्री लाला लाजपत राय का कैरेक्टर। और अनुपम खेर जी हैं, वो कर रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वकवि, उनका रोल। फिर मधु हैं, मधु कर रही हैं कैप्टन लक्ष्मी सहगल। और साथ में बहुत लोग हैं, गणेश वेंकट रमन हैं जो हमारे साउथ के एक्टर हैं, उभरते हुए एक्टर हैं। और शंभवी हैं, ये इसका म्यूजिक कर रहे हैं और लिख रहे हैं सुनील कपूर और सुधीर कपूर। और ये प्रोड्यूस कर रही हैं ईरा चटर्जी। मैं फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ, पहले ही बताया आपको। ये फिल्म जो है ये देशभक्ति की फिल्म है, एक पेट्रियाटिक फिल्म है। इसका मतलब ये फिल्म जो है इसमें हम दिखा रहे हैं एक पीरियड ड्रामा है, अग्नियुग, मतलब जिस टाइम की ये कहानी है। और सेकेंड वर्ल्ड के भी एक टाइम आएगा इसमें, और भी लड़ाइयाँ हैं। तो ये सब मिला के वो जो पीरियड में है जिन लोगों ने हमारे देश के लिए लड़ाई किया है और जिन लोगों ने खून बहाया, बलिदान दिया, कहानी उन लोगों को लेकर ही है। हिंदुस्तान के कोने कोने में लोग देश के लिए भाग के आए हैं और अपने जो जान की कुर्बानी दी, इसी के ऊपर बेस किया हुआ है। और एक हम इस फिल्म में कहना चाहते हैं कि हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको एक आज़ादी की लड़ाई की एक सच्ची जो इतिहास है, एक सच्चाई है, वो हम बताना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। और एक है नारी शक्ति, हमारे हिंदुस्तान के नारी के ऊपर कितना अत्याचार हुआ और कैसे उन लोगों ने रेजिस्ट किया और सहन किया और उन्होंने कैसे इसका जवाब दिया, ये सब इसी की कहानी है। तो मेन चीज़ है हमारी देश के प्रति जो श्रद्धा, देशभक्ति, यही है हमारी कहानी। और अगली पीढ़ी जो इतिहास जाने, सच्चा इतिहास जो हिंदुस्तान का, जो उन लोगों को बहुतों को मालूम नहीं, ये हम बताना चाहते हैं उनको। ये हमारे लिए एक फिल्म नहीं है, ऑर्डिनरी फिल्म नहीं है, ये हमारे लिए एक मिशन है, मिशन। तो हम दिल और दिमाग से जितने भी हम मुझ में ताकत है, जितना हमारा सोच है, हम करेंगे हमारे देशवासी के लिए। जहाँ हिंदुस्तान के 1,40,00,000 लोग देखेंगे और हिंदुस्तान के बाहर भी जो है वो भी देखेंगे, क्योंकि हर एक लैंग्वेज में ये फिल्म बनेगी, बहुत सारी लैंग्वेज में बनेगी, हमें उम्मीद है। बाकी हम वैसे आर्टिस्ट भी ले रहे हैं आगे, हर एक जगह से हम कोशिश कर रहे हैं। इसमें साउथ इंडियन एक्टर्स भी है, नॉर्थ इंडियन भी है, हमारे बंगाल का भी है, बिहार का भी है। तो इस टाइप के फिल्म बना रहे हैं। इसमें कम्युनल हारमोनी एंड नेशनल इंटीग्रिटी बहुत मायने रखता है इस फिल्म में। तो ये हमारी एक सोच है, हम आप लोग प्रे कीजिए ताकि हम 200
2024 में ये फिल्म हम आपको उपहार दे सकें, हम आप हमारे सामने आपके सामने हम पेश करें। इतना ही कहना, और बस इसमें गाने भी जो है म्यूज़िक, ये म्यूज़िक भी बहुत पुराने गाने हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें पुराने गाने ये सुनने को मिलेगा। एज बिकॉज इट्स ए पीरियड ड्रामा, तो वो हमें कन्विंस करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो वही कोशिश करेंगे। बहुत सालों के बाद मैं बना रहा हूँ फिल्म, बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।